मेरी बहू ने मेरी पसंद को रिजेक्ट किया है। छोटे बड़ों की बात नहीं मानते तो वो ही पस्त होते हैं। अच्छा आप इस बात को जाने दें, मैं नहीं बात है। बाबा ने मुझे मैसेज करके बताया था इसलिए मैं जल्दी आ गया। आए ना बैठे, प्लीज हैव अ सीट। आए, आज मैं तुमसे मिलने आई, नताशा से नहीं, और ये बात हमदानी साहब जानते हैं, इसलिए जो भी बात होगी हम दोनों के दरमियान में होगी। क्या हो गया आंटी? आप आई एम वेरी अपसेट, और मेरा अपसेट होना बनता है। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने ये क्या किया बेटा? समझी रही, नताशा ने मेरा लाया हुआ जोड़ा वापस कर दिया। इस बात को लेकर रजा भी बहुत अपसेट है, लेकिन ये बात तो तुमने ही उसे बताई होगी ना? असल में आंटी, कसूर मेरा ही है। वो अपना वार्डरोब अलाइन कर रही थी कि नताशा ने देख लिया। असल में ना वो एक्सक्लूसिविटी पे यकीन करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेंज करवा दें जोड़ा। सच पूछो तो बड़ी बात है, मेरी बहू ने मेरी पसंद को रिजेक्ट किया है। छोटे बड़ों की बात नहीं मानते तो वो ही पस्त होते हैं। अच्छा आप इस बात को जाने दें, मैं नहीं बात है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा घर मुझे कैसे चलाना। नताशा जब इतनी सी थी ना, मैं तब से जानती हूँ उसे। प्रसन्न नताशा से बहुत मोहब्बत करते हैं और नताशा भी उसे बहुत चाहती है। मेरे लिए ही मामूली बात है, छोटे बड़े की तमीज तो बड़े ही सिखाएंगे ना, और ये तुम मुझ पे छोड़ दो। जी आंटी, आई अंडरस्टैंड, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप बड़ी हैं, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप इस बात को रफा दफा करें ना, हम कोई मुनासिब सा दिन देके तारीख तय करते हैं। अब प्लीज आंटी, देखें मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैंने केक बेक किया, आपने खा के जाना है। प्लीज, सबके लिए टाइम कहाँ से निकाल लेती हो तुम? जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए वक्त निकल आता है, नॉट अ बिग डील। मैं चाय लगवाती हूँ, आप बैठें।